नमस्कार दोस्तों, आज मनादी रसोई में हम बना रहे हैं नॉन फ्राइड कड़ी पकौड़ा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पकौड़े बनाएंगे हम कड़ी के लिए, वो भी बिल्कुल नॉन फ्राइड होंगे। एकदम टेस्टी सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बना लेंगे इसे हम, और बहुत आसान होती है ये बनाने में और टेस्टी बहुत लगती है खाने में। तो फिर चलिए जल्दी से बनाते हैं नॉन फ्राइड कड़ी पकौड़ा की ये रेसिपी। सबसे पहले हमें एक बड़ा बर्तन लेना है, इसमें हम 2 कप छाछ ले रहे हैं। इसे मट्ठा या बटर मिल्क भी कहते हैं, बाजार में आसानी से मिल जाती है ये, आप घर पर भी इसे बना सकते हैं। अभी मैं बाजार वाली ही ले रही हूँ। अब इसमें हम 5 चम्मच बेसन डाल रहे हैं, जिस चम्मच से हम दाल सब्जी खाते हैं वैसी चम्मच 5 चम्मच हमें बेसन लेना है। कढ़ी में बेसन हमेशा छान कर ही डालना चाहिए, इससे छाछ में बेसन की गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं और कढ़ी का टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है। तो बेसन हमने छान लिया है, इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे इस मिक्सचर में गुठली नहीं पड़नी चाहिए। इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच हल्दी का डाल देंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए, हमने 2 कप छाछ लिया है तो इसमें हम 5 कप पानी का मिला देंगे। अभी जो छाछ का मिक्सचर हम बनाते हैं बेसन के साथ, ये थोड़ा पतला ही रखते हैं, क्योंकि कढ़ी जब हम बनाते हैं उसे पकाते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा काढ़ना होता है। कढ़ी का मतलब ही है कि उसे काढ़ कर बनाया जाए। अभी कढ़ी का मिक्सचर हमने रेडी कर लिया है, अभी एक कढ़ाई को थोड़ा गर्म कर लेंगे। इसमें हम 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। तेल गर्म हो गया है, इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच हींग का डाल देंगे। अभी जीरा तड़क गया है, इसमें हम 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया का डालेंगे, 1/4 चम्मच मेथी दाना डालेंगे, इससे कढ़ी में बहुत बढ़िया स्वाद आता है। 10-12 कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता डालने से कड़ी में एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, और अगर कड़ी में कड़ी पत्ता ही नहीं डाला तो फिर क्या डाला। अभी एक साबुत लाल मिर्च डालकर सारी चीजों को 1 मिनट तक बढ़िया से पका लेना है हमें। बहुत ज्यादा इन मसालों को नहीं पकाना है, जलाना नहीं है, सिर्फ 1 मिनट तक पका लेना है। अभी जो छाछ बेसन का हमने मिक्स बनाया है वो इसमें हम डाल देंगे। कढ़ी को 1 उबाल आने तक हमें पका लेना है। बीच बीच में हम कढ़ी को चलाते रहेंगे, इससे कढ़ी फटती नहीं है और बाहर भी नहीं निकलती है, क्योंकि अगर आप कढ़ी को ऐसे ही छोड़ देंगे स्टार्टिंग में तो बाहर निकल जाती है उबाल आने के वक्त में, तो हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है। अभी कढ़ी में 1 उबाल आ गया है, अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम हमें कढ़ी को 20 से 25 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देना है और इसे बीच बीच में चलाते रहना है। अभी कढ़ी एक जगह पक रही है तो हम पकौड़े के लिए मिक्सर रेडी कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पर 1/2 कप बेसन का ले रहे हैं, इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच नमक का डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन और 1 पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे। अभी बेकिंग सोडा डालने से जो है पकौड़े बहुत ज्यादा सॉफ्ट और फूले फूले बनते हैं। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक मीडियम थिक बैटर रेडी कर लेंगे। कुछ लोग पकौड़े में प्याज डालते हैं, हरा धनिया डालते हैं, लेकिन कभी कभी सिंपल चीजें बहुत टेस्टी लगती हैं, तो आज हम बिल्कुल सिंपल पकौड़े बनाएंगे। कढ़ी का अपना एक अलग फ्लेवर होता है, तो उसमें हम बहुत कम चीजें डालकर ही उसे टेस्टी बनाएंगे। अभी बैटर रेडी हो गया है पकौड़े के लिए। अभी ये अप्पे वाला पैन हम ले रहे हैं, इसे लो फ्लेम पर हमें थोड़ा गर्म कर लेना है। इस पर ब्रश की हेल्प से ऑयल लगा देंगे। अब थोड़ा थोड़ा बैटर हम इस पैन में डाल देंगे। कढ़ी के लिए छोटे छोटे पकौड़े ही तले जाते हैं, क्योंकि जब ये गरम गरम कढ़ी में डलते हैं, एक तो इसमें हमने सोडा डाला है तो इससे फूल जाएंगे सोडा डालने से। ये जब इन पकौड़ों को हम गरम गरम कढ़ी में डालते हैं तो ये एकदम से फूल जाते हैं और इनका साइज बड़ा हो जाता है, इसलिए जब इन्हें हम बना रहे होते हैं तो थोड़ा थोड़ा बैटर लेके ही हमें इन्हें बनाना होता है। बीच बीच में चेक कर लेना है ताकि पकौड़े जले ना। अभी ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए पकौड़े पका लेने हैं। अभी दूसरी साइड पलट देंगे। अब ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट दूसरी साइड से भी इन पकौड़ों को पका लेना है। अब ये देखिए, पकौड़े बनकर रेडी हो गए हैं। अब एक पकौड़ा तोड़कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया से पक गए हैं पकौड़े। अब ये देखिए, हमारी कढ़ी भी बनकर रेडी हो गई है। देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है कढ़ी, इसीलिए इसे कढ़ी कहते हैं। जितना आप इसको काढ़ेंगे इसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा बढ़िया आएगा, इसे काढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें पहले हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे।
अभी चेक करके देख लीजिए आपको नमक कितना चाहिए, उसी हिसाब से आप नमक डाल सकते हैं। अभी इसमें मैं आधा चम्मच नमक और डाल रही हूँ, तो टोटल एक चम्मच नमक इसमें हमने डाला है, क्योंकि हमने पकौड़े में भी नमक डाला है, तो इसलिए एक चम्मच नमक कढ़ी में अच्छा रहेगा। अभी जो पकौड़े हमने बनाए हैं वो हम कढ़ी में डाल देंगे। अभी 2-3 मिनट तक कढ़ी को और पका लेना है। अब कढ़ी रेडी हो गई है, इसके लिए तड़का रेडी करते हैं। एक पैन में हम 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी पिघल गया है, इसमें आधा चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच हींग डालकर इसे 10 से 20 सेकंड के लिए पका लेंगे। अब साथ में इसमें 1/4 चम्मच हम मेथी दाना, इसके साथ हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको कितना तीखा पसंद है कढ़ी में उसके अकॉर्डिंग आप तीखा डाल सकते हैं। मैं सिर्फ 1/2 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। तड़का रेडी हो गया है। अब कढ़ी को बर्तन में ट्रांसफर करके ऊपर से तड़का डाल देंगे। तो नॉन फ्राइड कढ़ी पकौड़ा बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी जबरदस्त लग रही है देखने में, और यकीन मानिए खाने में ये उससे भी ज्यादा बढ़िया लगती है। तो कढ़ी पकौड़ा की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और बढ़िया सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।